गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं साधना और आपके अपने चैनल सीवी फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक डिफरेंट वीडियो लेकर के आई हूं, जिसे आपको टाइटल देख करके समझ में आ ही गया होगा, जो कि ये वीडियो उससे रिलेटेड है जो मेरी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा था, स्टडी। और मैरिज के बाद भी मेरी स्टडी जारी थी, लेकिन बच्चा होने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स के चलते मेरी स्टडी थोड़ी टाइम के लिए रुक गई थी। बट मैंने फिर से अपने खुद को खोजने की राह में एक कदम बढ़ाया है, और आप लोग भी ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ को अगर हम खुद की पहचान नहीं बनाएंगे तो हमें हमेशा ज़िंदगी भर दूसरों की राय पर चलना पड़ेगा। दूसरों के मतलब कि कुछ ना कुछ तो रहता है इम्पैक्ट, अगर हम अपने खुद के पैरों पर खड़े होते हैं। ये सभी को पता है कि शादी के बाद और बच्चे होने के बाद ये इतना आसान नहीं होता है, मुमकिन नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर हम ठान लें तो ये नामुमकिन भी नहीं है। एक औरत हर काम कर सकती है, इसलिए उसे अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना ज़रूरी होता है, और बस अपने मन में खुद पर विश्वास होना चाहिए। हम अपनी किस्मत तो नहीं बदल सकते हैं, अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतें ज़रूर बदल सकते हैं, और क्या पता यही हमारी बदली हुई आदतें हमारा भविष्य भी बदल दें। तो फिर क्यों ना हम अपने खुद को खोजने की राह में कदम बढ़ा लें। और तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप खुद के बारे में सोचिए, थोड़ा सा सेल्फिश बनिए, और आपको जो कुछ भी पसंद हो, ज़रूरी नहीं कि आप स्टडी ही करें, आपकी जो हॉबी हो आप उसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। आपको पसंद हो, आपको जो अच्छा लगता हो, आप उसे थोड़ा सा टाइम दें, और फिर देखिए आप किस तरह से खुश रहती हैं। क्योंकि अगर आप खुश रहेंगी तभी आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर परिवार को खुश रख सकेंगी। और अगर आप स्टडी करना चाहती हैं तो इसके लिए अर्ली मॉर्निंग का टाइम बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि इस समय जो माहौल होता है बिल्कुल शांत होता है, और सबसे पॉजिटिव बात यह होती है कि हमारा जो माइंड होता है बिल्कुल ब्लैंक होता है, शांत होता है, तो हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहता है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना बहुत ही बेस्ट होता है। ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट डे से ही 3 बजे उठें, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं और बच्चे भी हैं, तो कभी रात में लेट सोते हैं, कभी लेट हो जाता है किसी कारणवश, तो हमारी नींद पूरी नहीं होती। तो नींद पूरी होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम फ्रेश माइंड से पढ़ सकेंगे। इसलिए आप फर्स्ट डे 6 बजे उठ जाइए, फिर नेक्स्ट डे आप और 5 बजे, और फिर 4 बजे, और मतलब कि जितने टाइम आप कंफर्टेबल हो सके उतने टाइम आप पढ़ करके देखिए। लेकिन अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मतलब बहुत जल्दी आपको मतलब कि आपको रिमाइंड करना ज़्यादा नहीं पड़ता है, और वो हमारे माइंड में लंबे समय तक बना रहता है। तो बस ये था मेरा आज छोटा सा वीडियो। तो ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन उसे भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहेंगे। और अगर आपका कोई सजेशन है मेरे लिए तो ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।